माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। कोटे के अंदर कोटा और एससी एसटी के अंदर क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो विपक्ष, मोदी सरकार के कई सहयोगी दल भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इन सांसदों ने कोटे में कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखी। बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन भी दिया और सांसदों ने पीएम से अपील की है कि कोर्ट के फैसले को लेकर एससी एसटी समाज के कंफ्यूजन एसटी एसटी समाज में है, जिससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले को लागू न करने की गुजारिश की। अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को आश्वासन दिया है। पीएम ने सभी सांसदों को कहा कि क्रीमी लेयर को लेकर जो कोर्ट ने कहा है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के जजों का सुझाव और उनकी पर्सनल राय है। पीएम ने सांसदों को यह भी कहा कि केंद्र सरकार की आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी, कोर्ट के सुझाव का आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम से मुलाकात करने वालों में बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के एससी एसटी समाज के करीब 75 सांसद मौजूद थे। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए और समाज के लोगों को सच्चाई बताइए। पीएम मोदी ने एससी एसटी के सभी सांसदों को यह भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू नहीं करेगी। केंद्र सरकार की आरक्षण व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी, कोर्ट के सुझाव का आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एससी एसटी के आरक्षण के बंटवारे को लेकर अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि एससी एसटी आरक्षण के अंदर किसी विशेष जाति या कुछ जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के भीतर कोटा उचित आधार पर होगा और इसमें राज्यों की मनमर्जी नहीं चलेगी। राज्यों की सारी गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, जिसके बाद अब राज्य सरकारें एससी एसटी श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। अब यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर कोटे में कोटे का मतलब होता क्या है। इस वक्त एससी को 15% आरक्षण है, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन अब सरकारें एससी एसटी के तय कोटे में कोटा दे सकती हैं। आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्रीमी लेयर पर ओबीसी वाला आधार ही लागू होगा या फिर किसी नए फॉर्मूले के साथ इसे लागू किया जाएगा, और इसे लागू करने से पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। एससी एसटी आरक्षण का मौजूदा हिसाब क्या है, एससी और एसटी में कितनी जातियां हैं और उन्हें कैसे आरक्षण मिलता है, यह भी जानना जरूरी है कि आखिर कितनी आबादी है और उनका हक कितना है। तो देश में एससी की आबादी 16.6% है, जबकि देश में एससी की जातियां 1108 है और अभी एससी को 15% आरक्षण मिलता है। ऐसे ही अगर बात एसटी आबादी की करें तो देश में एसटी की आबादी 8.6% है। देश में एसटी की जातियां 744, जबकि देश में एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी की अगर 300 से ज्यादा सीटें आई तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इस नैरेटिव के चलते बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीटों का भारी नुकसान हुआ और बीजेपी सांसदों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणी के बाद एक बार फिर से उसी तरह की नैरेटिव बनाने की देश में कोशिश भी हो रही है। क्रीमी लेयर के नाम पर एससी एसटी के आरक्षण का हक लेने की अफवाह फैलाई जा रही है। बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को अपने क्षेत्र से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को अपने सांसदों के जरिए यह इनपुट मिला कि अगर समय रहते इस मुद्दे को एससी एसटी समाज को नहीं समझाया गया तो इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है, जहां दलित वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और समाज के लोगों को सच्चाई बताइए,
कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।